हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, केम छो, गमा गनी, कैसे हो सब लोग। आज अपने पास गाड़ी है इंडियन और हमारे एक वासु भाई हैं हमारे साथ आज ब्लॉग में, उनके पास ट्रम्प है। तो आज हम लोग निकलते हैं, पहले ये अपना बीकानेर शहर है और ये यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आउटर में। और आज हमारी गाड़ी जाएगी गजनेर पैलेस, जहाँ हमारी हुई थी शादी। तो भाई लोग, हम लोग समय हो गया 7:30, घर से हम लोग निकले थे अब 6 बजे से और आधी डेढ़ घंटे हो गए। और गजनेर पैलेस अभी भी यहाँ से जो है, ये देखो ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ गजनेर पैलेस 48 किलोमीटर और बचा है। तो भाई अपने को आधा पौन घंटा लगे, गाड़ी अपनी एक नंबर है और लोग सुबह सुबह साइकिल चला रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सीन, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। राजस्थान की रोड जो है ना, वो लाजवाब है। आज अपनी गाड़ी जो इंडियन अपने पास है, ये 35 लाख के अराउंड की गाड़ी है, 30 लाख के आसपास है। तो फ्रेंड बोला कि चलो भाई चलते हैं, तो फटाफट निकलते हैं हम लोग यहाँ से और लेट नहीं करेंगे, गजनेर पहले जल्दी पहुँचना भी है। और आज घड़ी में समय अपने 8:15 हो गया और धूप निकलने ही वाला है, तो धूप निकलने से पहले हम निकल जाते हैं यहाँ से। यहाँ से अभी भी गजनेर पैलेस अपनी 51 किलोमीटर दिखा रही है। तो सही रफ्तार चल रही गाड़ी और मज़ा भी आ रहा है, तो फटाफट चलो पहुँचते हैं बिना लेट किए। स्पीड जो है अपनी 160-180 जा रही है गाड़ी की, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम स्मूथ गाड़ी है, मज़ा आ गया चला कर रास्ते में। यहाँ लिखा हुआ है टोल प्लाजा बगल में ही है, 100 मीटर दूरी पर, तो टोल कटवाते हैं और फिर निकलते हैं। टोल प्लाजा पहुंच गए भाई, बाइक की टोल तो नहीं लगेगी अपने को, तो फटाफट निकलो लेन 1 से। 2 व्हीलर की लाइन है, तो यहाँ से निकलते हैं अपन। तो यहाँ पर स्पीड नहीं चलाएंगे, रूट का फाइन वगैरह नहीं बढ़ना अभी अपने को सुबह सुबह। तो अपनी गाड़ी यहाँ टोल से निकल गई है और बिना लेट किए हम लोग जो है फटाफट पहुँचेंगे गजनेर पैलेस, क्योंकि वहाँ पर हमारी हुई थी शादी। चारों तरफ ओस हो रखा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई साहब, मज़ा आ गया आज तो। और यहाँ का जो वेदर है ना, वो मैं आपको सच बताऊँ, मेरी मन कर रहा गाड़ी में एकदम धीरे धीरे चलाते रहूँ, इतना ठंडा ठंडा हवा लग रहा चेहरे पर। और अपने वासु भाई अपने साथ है ही ट्रम्प में, तो हम भी ट्रम्प चलाएँगे, एक जगह हम लोग स्टॉपेज लेंगे, उसके बाद ट्रम्प निकालेंगे, क्योंकि गजनेर पैलेस थोड़ी दूर है। यहाँ दिख रहा है कि गजनेर पैलेस अपने आगे से जो है लेफ्ट हैंड में मिलेगी अपने को गजनेर पैलेस, तो उधर लगता है यही लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर स्टे करते हैं, काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, 2-2.5 घंटे से, बहुत दूर से, मतलब कि 125 किलोमीटर से हम लोग चल रहे हैं। तो यार गाड़ी भी वैसी ही 1200 cc की गाड़ी है, एक तो वो 2500 cc की गाड़ी है, और बहुत सी जो है पब्लिक जो है गाड़ी को देखने के लिए चारों तरफ से घेरना चालू कर ही दिए गाड़ी को। अच्छा व्यू आ रहा है, मज़ा आ रहा है यार, और राजस्थान में तो यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। मेरा तो नहीं है, 35 समथिंग बोला सर, 35 पड़ा, 35 लाख रुपये के आसपास है, 33-35 और 35 लाख। अपनी स्प्लेंडर पे ले रही है ले वाले साहब, डबल साइलेंस रे। तो भाई चाय ब्रेक हो गया अपना और धूप भी निकल गया है, तो लेट करने से फ़ायदा नहीं है। हम लोग गजनेर पहुंच चुके हैं। वैसे वासु भाई साहब बोले कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिद्धार्थ भाई मैं ट्रम्प ले लिया हूँ अपने हाथ में। भाई भारी गाड़ी यार, खतरनाक लुक है इस गाड़ी का, गाड़ी स्मूथ भी चलती है वैसे। और वासु भाई बोले कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके मैं गजनेर पैलेस की बैक साइड अपने को लेके जाएंगे वासु भाई। तो यहीं से हम लोग अब लेफ्ट मोड़ करके ऑफ रोडिंग करेंगे थोड़ी सी और फटाफट जो गजनेर के बैक साइड पहुँचेंगे। ये कहें कि वहाँ पर झील है और बहुत सुंदर व्यू है। तो वासु भाई के पास अपनी इंडियन है और मेरे पास ट्रम्प है, और भाई साहब ऐसी ऑफ रोडिंग में लाए हैं कि देख रहे हो आप,
ये जो फूल के पत्ते दिख रहे हैं ना कुछ चारों तरफ, ये कांटे के पत्ते हैं, इनसे बचाओ खुद को भी और बाइक को भी, वरना स्क्रैच वगैरह भी आएगा यार। यार वासु भाई कहाँ फंसाए हो आप मेरे को। तो यार हम लोग कांटे से तो निकले और अपने लोग फटाफट पहुँचे इसके बैक से। ओ भाई लगता है यहाँ पर जो है ना रोड ब्लॉक हो रखा है, और वासु भाई रोड ब्लॉक देखते ही जो गाड़ी घुमाने लगे हैं इंजन, अपने भी थोड़ी सी गाड़ी को साइड कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकलने का उपाय निकलवाते हैं। कोई दूर दूर तक दिख तो नहीं रहा वासु भाई को, और मैं भी ग्राउंड देख लेता हूँ, कोई भी नहीं है यार गाड़ी के पंडे को, यहाँ से कैसे निकालो। गजनी का बैक साइड वो बोले कि बहुत सुंदर है, देखने लग जाएगा, देखते यार कोई मिल जाए जो गाड़ी निकालने में अपनी हेल्प कर दे। उनका ऐसे मोबाइल गिर गया वासु भाई का, तो पहले उनको मोबाइल उठा के दे देता हूँ मैं। आ जाओ वासु भाई मोबाइल तो ले लो अपना। यस तो भाई वासु भाई का मोबाइल गिर गया, इनका मोबाइल इनको देता हूँ, इसे मैप खुला हुआ है और थोड़ी से परेशान दिख रहे हैं वासु भाई, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, निकले तो निकले कैसे। तो अच्छा है मॉर्निंग का समय, तो हम लोग भी थोड़ा सा फ्री हैं, और थोड़ा परेशान होने के बाद जो है अब अपने को लगता है कि यार गाड़ी निकलने का कोई साधन नहीं, रहने देते हैं। और बोलने की देरी थी, और ये देखो भाई एक अंकल आ रहे दूर से, अपने को दिखे पानी के अंदर से, तो यार चलो कुछ तो हेल्प मिलने वाला है अब अपने को। तो वासु भाई को अंकल ने हेल्प कर दिया और उन्होंने बता दिया कि भाई आगे से रास्ता है, गाड़ी प्रेम से घुमाओ और चुपचाप आगे से निकल जाओ। तो अपने लोग यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट, क्योंकि लेट हो गई काफ़ी, धूप आ गया ऊपर। ब्रेकफास्ट में गजनेर पैलेस में करेंगे, क्योंकि घड़ी में भी 8:30 के पार हो चुकी है, 9 बजने को जा रही है। तो फटाफट हम लोग ऊपर से रोड में आ गए हैं, और रोड साइड से ही, मतलब कि जाना अपने को जंगल ही है, क्योंकि बैक साइड जो है वो जंगल एरिया, मगर रोड साइड होते हुए जाना है। आगे से अंकल ने बोला तो घुमा लेने के लिए, तो अपन लोग यहाँ से घुमा रहे गाड़ी और उम्मीद करते हैं कि हम लोग फटाफट पहुँच जाएंगे। तो भाई लोग चलो अपने लोग थोड़ा सा वहाँ पर बाइक की भी शूटिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि यार इंडियन और अपनी ट्रंप चल रही है भाई, 35 लाख की बाइक है, और ट्रंप तो अपने को लगता है 20-22 लाख पड़ती है ऑन रोड, मगर इंडियन जो गाड़ी है ना यार 30 लाख से कम में नहीं आएगी ऑन रोड। ये हम लोग पहुँच गए झील एरिया भाई साहब, यहाँ पे मोर है चारों तरफ, पैरोट है, और ये सामने दिख रहा है ना कोई मोर वगैरह है आगे में, आपको वीडियो में तो नहीं दिखेगा, हम लोग लाइव देख रहे हैं। कभी आप आओ बीकानेर राजस्थान तो गजनेर तरफ ज़रूर आना है यार, यहाँ का सीन जो है ना बहुत सुंदर है। तो पहले गाड़ी की शूटिंग कर लेते हैं। भाई साहब गाड़ी अपनी हो गई है फोटोशूट, हम लोग का थोड़ा सा हो गया रेस्ट यहाँ पर, और हम लोग बिना विलंब किए यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अपने को गजनेर पैलेस भी जाना है और वहाँ ब्रेकफास्ट भी करनी है, खस के भूख लग गई है। तो इंडियन में वापस ले जाओ ट्रंप से, अपने इंडियन के अपने हाथ परफेक्ट बैठ गई है। तो गाड़ी को घुमाते हैं यहाँ से और फटाफट निकलते हैं फिर बिना लेट किए, क्योंकि लेट होने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धूप और कड़ी हो जाएगी ना तो गाड़ी चलाने में अपने को दिक्कत होगा। चलो भाई निकलते हैं, और ये अपने सेम ऑफ रोडिंग इंडियन अपनी ऑफ रोडिंग से निकली है, तो बिना लेट किए हम लोग फटाफट जो है गजनेर पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग चाय ब्रेक लिए थे, वहाँ से रिटर्न हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और थोड़ा सा आगे गजनेर पैलेस है अपना, उसे कवर करेंगे। रास्ते में अपने फ्रेंड मिल गया, उससे मिल लेते हैं और मिल करके, पब्लिक तो देखो अपनी गाड़ी को घेर के ही खड़ी है, जहाँ गाड़ी लग रही है ना वहाँ पब्लिक पहुँच रही है, ये समझ लो भाई, लोग माथा पकड़ रहे हैं अपना यार कैसी खतरनाक गाड़ी है यार। तो यार गाड़ी भी वैसी है, सामने से आप देखोगे और चलाओगे ना तो लगेगी भी बवाल, देख रहे हो यार गाड़ी का लुक कितना खतरनाक है, चलती ही वैसी खतरनाक है। बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी का तेल थोड़ा सा हो गया है कम, तो तेल फिल करवा लेंगे रस्ते में, और फिर हम लोग पहुँचेंगे गजनेर पैलेस, क्योंकि बाद में फिर तेल फिल करने का जो झंझट अपना माथा से हट जाएगा। तो ये अपने रोड में आ गए हैं,
और पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे पहुंच कर अपने अभी खाली है पेट्रोल पंप, तो अच्छा है, कोई पब्लिक वब्लिक की भेंट तो नहीं हो रही कम से कम। तो फटाफट अपने लोग यहाँ पे भराएंगे तेल और बिना लेट के जो है यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो पहले वासु भाई फुल करवा ले, फिर मैं फुल करवा लूँगा। तो चलो भाई तेल लगा के निकलते हैं। ये हम निकल चुके हैं, गाड़ी की तेल लंबी हो गई फुल। और यहाँ पर दिख रहा है कि गजनेर पैलेस जो है आगे से लेफ्ट से है। तो ये अपने लोग घूम गए लेफ्ट और थोड़ा दूर है, 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो चलते फटाफट, बस्ती होकर गांव होते हुए निकलता है अपने गजनेर पैलेस। तो बिना लेट के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पब्लिक व्यू, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सब घूम घूम के देख रहे हैं गाड़ी। यह गाड़ी है भी वैसी खतरनाक। और ये अपने को सामने दिख गया गजनेर पैलेस का गेट। यहाँ से स्टार्ट होता है अपना बीकानेर में मौजूद ये गजनेर पैलेस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राजस्थान बीकानेर में गजनेर पैलेस यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये गजनेर पैलेस कितना बड़ा है वो आप खुद भी देखो। ये अपने लोग गजनेर पैलेस का 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जो है पैलेस, मेन जो पैलेस है ना उसके अंदर की मेन गेट पर पहुँच गए। 1 सेकेंड यहाँ पर अपनी गाड़ी की एंट्री करवा लेते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बड़ी भूख लग गई भाई बहुत तेज। चलो भूख भी बहुत कड़ी हो गई है, तो लेट करने से फ़ायदा नहीं है। कि अपनी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट जाएगी, फिर राइट जाएगी और हम लोग पहुँच जाएंगे पैलेस के अंदर। पैलेस भाई वो जगह है जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो यार पुराने दिन तो वापस से ताज़ा होने ही वाले हैं। तो चलो गाइस आप लोग भी चलो, गजनेर आपको घुमाते हैं कहाँ मेरी शादी हुई थी। बिना सजावट के वो जगह कैसा दिखता है वो अब आप भी देखो। देख रहे हो कितना बड़ा गजनेर पैलेस है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। यार बहुत सुंदर जगह है, राजस्थान में अगर आओ इस जगह ज़रूर विज़िट करना। ये मैं आपको कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अपने तो पैसे नहीं था, 500 एंट्रीज है। ये अपने अंदर आ गए, ये अपनी गजनेर पैलेस हुई चालू यहाँ से। भाई लोग गजनेर पैलेस तो हम लोग घूम लिए हैं, तो नाश्ता भी कर लिए हैं और घड़ी में समय अपने 11:30 हो गया है। तो लेट करने से कोई मतलब नहीं है, धूप तेज हो ही चुकी है। तो अब अपने लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सफ़र आप लोगों को पसंद आया, ये गाड़ी पसंद आई, मैं पसंद आया, कि हमारे ब्लॉग पसंद आए, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड दोस्तों को शेयर जरूर करना। और उनको भी बोलना कि वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये पूरे बिहार के लिए और पूरे राजस्थान के लिए गजनेर पैलेस की सुहानी टूर मेरे थ्रू। थैंक यू एवरीवन, रॉयल्टी 147 की तरफ से।